जो हमारे स्कूल का टॉपर है, टॉपर है ये हमारे स्कूल का। और मिस्टर टॉपर है? नहीं भाई, मैं तो बस। हेलो दोस्तों, फाइनली आज हम अपना पहला वीडियो शूट करने जा रहे हैं इस चैनल का। ये हमारी फर्स्ट ब्लॉग है और इस ब्लॉग ये एक एग्जाम ब्लॉग है। तो चलिए हम चलते हैं, आज आपको हम दिखाएंगे अपना एग्जाम सेंटर और स्कूल कैसा है और हमारा एग्जाम कैसा गया। तो मिलिए हमारे दोस्त से। हाय एवरीवन, हाय, बताइए कैसी प्रिपरेशन है आपकी पेपर के लिए? पढ़ा है, पता नहीं एग्जाम्स कैसे आएंगे, क्या होगा, सबको टेंशन हो रही है कि एग्जाम कैसा आएगा। पर हमें लगता है कि एग्जाम इजी आएगा, सबको डर लग रहा है कि जितना भी पढ़ लो भाई सेटिस्फेक्शन मिलता है नहीं कि हाँ पढ़ो। चलो आपको आज मैं चारों साइड से दिखाते हैं। हम नोएडा सेक्टर 121 में आ चुके हैं, जहाँ पे हमारा सेंटर पड़ा है। नोएडा इंटरनेशनल स्कूल में पड़ा हुआ है हमारा सेंटर। हम आपको पूरा स्कूल का भी सैर कराएंगे। हेलो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं मंदिर के पास। मंदिर के पास हम पूरा पूजा करेंगे। हम मैं ही रहता था, मैं शिफ्ट होकर चला गया इधर से। हेरिटेज सेंटर की साइड क्या? नहीं, इधर से मैं चला गया एक मूर्ति। वही एड्रेस रिवील नहीं करते भाई, मतलब एड्रेस रिवील को नाम कर रहे हैं किसी का, मैं अपना कर रहा हूँ। कोई बात नहीं भाई, दो गाड़ी आ रही। मतलब दोस्तों, हम फाइनली मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। आज शनिवार है इसलिए मंदिर के बाहर भीड़ है लगी हुई, क्योंकि आज शनि पूजा है, शनि देव का पूजा है। तो हम मंदिर के अंदर जाएंगे और पूजा करेंगे, फिर उसके बाद बाहर आएंगे, आपको सारे व्यूज दिखाएंगे मंदिर के अंदर के। चलो अंदर चलते हैं हम। वाले हैं बस 100 मीटर की दूरी पे हम आ चुके हैं। अब हम स्कूल के पास पहुँचेंगे, आपको स्कूल की सैर कराएंगे। क्या अगर आप कमेंट करें कि अगर आपने नोएडा इंटरनेशनल स्कूल देख रखा है या आप आसपास रहते हैं, हम नोएडा सेक्टर 121 में आ रखे हैं, तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए चल, लोकेशन काफ़ी सही है ना, ये तो बनी जा रहा है लोकेशन बहुत फ्लैट। चुके हैं अपने स्कूल के पास और देंगे आज पेपर। आज आपको पेपर का रिव्यू भी बताने वाले हैं, तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना। Here is all the toppers. अरे first topper, second topper, third topper. भाई मैं तो average student हूँ यार। उसके सामने ये जिस हाईवे के बगल में ही है साइड में। हमारा वो सेंटर आते हुए सेंटर आ चुका है, देखिए हमारे स्कूल के बच्चे आ चुके हैं। यही हमारा सेंटर है यहाँ पे। और ये देखिए कब से मॉडल बन गए यार, ये बता तू पहले। ओहो भाई गजब यार, मिस इंडिया वर्ल्ड। ओए ये देखियो भाई, कितना पढ़ रहे हो, भूल जाएगी मत पर। तो पढ़ क्या ही है, हमारे ये क्लास के सारे टॉपर्स हैं, बड़े बड़े हैं टॉपर्स हैं। कोई क्या नहीं, ओयो मोटू भाई अपना टॉपर, इनका फोटो 32 अखबार में छपा था कल। ठीक है, और कुछ है? कैसे गया एग्जाम, फीडबैक दे बेटा। बहुत बेकार गया, बहुत ही बेकार साले। तू ये पेपर निकल पाया तो क्या करेगा बेटा भाई? हाउ वाज योर एग्जाम? मस्त ब्रो, फकिंग ग्रेट। दोस्तों फाइनली हमारा इकोनॉमिक्स का पेपर हो चुका है और हमने आज पेपर में आग लगा दिया है। तेरा पेपर कैसा गया? इजी था भाई, बहुत इजी पेपर आया था। मेरा सेट 2 था, मेरा भी सेम था, बहुत इजी था भाई। ओ भाई रुक जा,
ऑन द टाइम हो गया पेपर कॉलर हो गया टाइम तो पहले ही हो चुका था इजी पेपर बनाया था सीबीआई कट पे बहुत पहली बार इकोनॉमिक्स का इजी था पेपर इससे तो हार्ड हमारे स्कूल वाले बना देते हैं पेपर अभी स्कूल वाले भाई मैं पेपर के पागल हो गया मैं कर कर के क्या करूं क्या नहीं और देख पेपर भाई इतना भाई हाउ वाज योर एग्जाम अभी इतना इजी तो था जो मुझे लग रहा था जिसने पेपर बनाया था वो बस मैक्रो की किताब लेके उसने पेपर बनाया और वो सारा भूल गया इकोनॉमिक्स तो पता नहीं वो कहते इंडियन मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है बहुत ही टाइम लग गया साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए इतना झिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला मुझे चाहिए ही चाहिए तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उस पर भूत फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती मुझे नहीं पता बस क्लिक हो जाना चाहिए अब मैं भी जा रहा हूँ मुझे पैसों के पीछे भागना है बाय।